हे hey चैंपियंस आज हम लोग बात करेंगे कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की जो किस पे बेस्ड है एटॉमिक स्ट्रक्चर पे सो कमिंग टू द फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द रेशियो ऑफ द एनर्जी ऑफ अ फोटोन ऑफ 2000 थाउजेंड एंगस्ट्रॉम वेवलेंथ रेडिएशन टू दैट ऑफ फोर थाउजेंड एंगस्ट्रॉम रेडिएशन बेसिकली इस क्वेश्चन में आप लोग को क्या करना है कि जो एनर्जी है उनका रेशियो बताना है एज वी ऑल नो कि जो एनर्जी है वो किसकी इक्वलेंट होती है एच न्यू के लेकिन यहाँ पर हमें कौन सी वैल्यू गिवन है यहाँ पर हमें वेवलेंथ गिवन है ठीक है तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा एच सी अपॉन लैमडा यस और नो सो जो वन बाई ई टू है वो क्या हो जाएगा एच सी अपॉन लैमडा वन और एच सी अपॉन लैमडा टू तो ये हमारा क्या आ जाएगा लैमडा टू बाय लम्डा वन यस और नो लैमडा टू की वैल्यू कितनी आ रही है फोर थाउजेंड और लैमडा वन की वैल्यू कितनी आ रही है टू थाउजेंड तो ये कितना आ जाएगा टू तो ईवन बाई ई टू का आंसर क्या हो जाएगा डी एंड डी इज द करेक्ट आंसर क्लियर है कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है द करेक्ट ग्राउंड स्टेट कन्फिग्रेशन ऑफ क्रोमियम एटम एज़ वी ऑल नो जो क्रोमियम एटम होता है उसका एटमिक नंबर कितना होता है ट्वेंटी फोर और ये चीज मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि ये एक्सेप्शनल केस है कहने का मतलब है इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो कैसी होनी चाहिए थी वो होनी चाहिए थी वन एज़ टू टू एस टू टू पी सिक्स थ्री एस टू थ्री पी सिक्स दैन फोर एस टू तो ये कितना हुआ सिक्स प्लस टू एट एट प्लस टू टेन टेन प्लस टू ट्वेल्व ट्वेल्व प्लस सिक्सटीन एटीन एटीन प्लस टू ट्वेंटी ट्वेंटी और यहाँ पे कितना आ जाता थ्री डी फोर ये एक्सपेक्टेड था कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगेशन ये हो बट एक्चुअल में होती क्या है वन इज़ टू टू इज़ टू टू पे सिक्स थ्री एज टू थ्री पे सिक्स फोर एज वन थ्री डी फाइव और एक्चुअल में ये इलेक्ट्रॉनिक इनफिगेशन होती है रीज़न क्या है कि यहाँ पे जो डी ऑर्बिटल है इस केस में जो डी ऑर्बिटल है वन टू थ्री फोर थ्री फोर फाइव अगर हम लोग इसमें इलेक्ट्रॉन्स भरें ठीक है तो ना ये फुलफिल्ड है ना ये हाफ फिल्ड है लेकिन जब मैं बात करती हूँ थ्री डी फाइव की वन टू थ्री फोर तो यहाँ पर हर एक ऑर्बिटल में सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन है और ये चीज़ और इसके एक्सेप्शन का यही रीज़न है कि जो आपका फुली फिल्ड और जो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल होता है हाफ फिल्ड ऑर्बिटल होता है दैट इज मोर स्टेबल अगर हम उसे किसी अदर ऑर्बिटल से कंपेयर करें तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक इन्फिगेशन क्या हो जाएगी इसकी इलेक्ट्रॉनिक इन्फिगेशन हो जाएगी ए आर दैट विल बी थ्री डी फाइव एंड फोर इज वन क्लियर है सो द ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर क्लियर है कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्या कह रहा है द करेक्ट सेट ऑफ क्वान्टम नंबर फॉर द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑफ क्लोरिन एटम अब मेरी बात ने बहुत ध्यान से सुनना क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है अगर मैं बात करती हूँ क्लोरीन आइटम की तो क्लोरीन आइटम का जो एटमिक नंबर होता है वो कितना होता है सेवनटीन अगर मैं क्लोरीन आइटम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करूं तो क्या होगा इज टू एंड थ्री पी फाइव क्वेश्चन में कह रहा है कि आपको क्वांटम नंबर बताना है फॉर द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑफ क्लोरीन आइटम तो ये आपकी वैलेंशियल कन्फिग्रेशन है ठीक है थ्री पी में अगर देखा जाए तो वन टू थ्री फोर फाइव ये क्या है आपका अनपेड इलेक्ट्रॉन इसी के बारे में तो पूछ रहा है वो क्वेश्चन में ठीक है क्योंकि बाकी सबके सब क्या है पेयर्ड है बाकी जितने एस ऑर्बिटल और ये जो पी ऑर्बिटल है सब में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसी में क्या है अनपेड इलेक्ट्रॉन है इसके लिए वो आपको क्वांटम नंबर के बारे में पूछा क्वांटम नंबर इन द सेंस एन की वैल्यू एल की वैल्यू और एम की वैल्यू तो ये आपका क्या है थ्री पी है तो यहां पर एन की वैल्यू कितनी होगी थ्री और पी ऑर्बिटल के लिए एल की वैल्यू कितनी होती है वन ठीक है और एम क्या हो जाएगा माइनस वन जीरो प्लस वन तो ये क्या हो गया वन क्लियर है क्योंकि अगर मैं बात करती हूँ एल अगर जीरो आ रहा है वन आ रहा है टू आ रहा है तो जीरो के लिए एस वन के लिए पी और टू के लिए डी तो पी के लिए एल की वैल्यू कितनी होती है वन एन यहाँ पे ऑलरेडी दे रखा है थ्री और एम कितना हो जाएगा वन सो द ऑप्शन विल बी सी क्लियर है कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्या कह रहा है कि जो आपके पास थ्री पी ऑर्बिटल है उसके पास दो नॉन स्फेरिकल नोड होंगे दो स्पेरिकल नोड होंगे या वन स्पेरिकल और वन नॉन स्पेरिकल नोड होंगे या वन स्पेरिकल एंड टू नॉन स्पेरिकल नोड होंगे क्वेश्चन में ये पूछ रहा है तो जब मैं बात करती हूँ थ्री पी ऑर्बिटल की तो एन की वैल्यू कितनी आ रही है थ्री और एल की वैल्यू कितनी आ रही है वन इतना क्लियर है अब एक चीज का ध्यान रखना जो आपका रेडियल नोड होता है ना रेडियल नोड को हम लोग कहते हैं स्पेरिकल नोड और इसका फॉर्मूला होता है एन माइनस एल माइनस वन तो एन की वैल्यू कितनी है थ्री एल की वैल्यू कितनी है वन तो ये कितना हो जाएगा वन और जो आपका एंगुलर नोड होता है इसको हम लोग कहते हैं नॉन स्फ़ेरिकल नोड और इसकी वैल्यू इक्विवेलेंट होती है एल के तो एल की वैल्यू कितनी आ रही है वन तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा वन स्फेरिकल एंड वन नॉन स्फेरिकल नोड सो सी इज द करेक्ट आंसर कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्या कह रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें बहुत लोग गलती भी करते हैं तो इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से सुनना ठीक है क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द सेकेंड बोर ऑर्बिट ऑफ अ हाइड्रोजन एटम और ए नॉट आपका क्या है ए नॉट आपका बोर का रेडियस है क्लियर है इस क्वेश्चन में ऑलरेडी एन की वैल्यू कितनी गिवन है टू ठीक है अब अगर मैं बात करती हूँ कानटिक एनर्जी की तो कैनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है हाफ एम वी ये तो सभी को पता है अब क्या करूँगी इस इक्वेशन को डिवाइड कर दो और मल्टीप्लाई कर दो बाय से तो ये क्या हो जाएगा कानटिक एनर्जी इक्वल्स टू एम स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन टू एम इसको मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ एम वी का होल स्क्वायर अपॉन टू एम तो ये हमारी होगी फर्स्ट इक्वेशन एज वी ऑल नो फ्रॉम बोर एटॉमिक मॉडल जो एंगुलर मोमेंटम होता है दैट इज इक्वल इन टू एन एच अपॉन टू पा इंटरगल मल्टीपल ऑफ एच अपॉन टू पाए तो यहाँ से जो एम वी है वो किसकी इक्वलेंट हो जाएगा एन एच ओपोन टू पाई आर के या मैं इसको यहाँ पर एन एच ओपोन टू पाई एन भी लिख सकती हूँ क्योंकि बेसिकली होता क्या है जो रेडियस होता है एन एथ ऑर्बिट का इट्स इक्वल टू रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट जिसको हम लोग ए नॉट से इंडिकेट करते हैं इन टू एन स्क्वायर बाई जेड यस नो रेडियस ऑफ एन एथ ऑर्बिट इज इक्वल टू रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट दैट इज ए नॉट इन टू एन स्को यहाँ पर हम आर एन इस वजह से नहीं ले रहेस है वो क्या गिवन है ए नॉट गिवन है तो हमने ए एन ले लिया तो कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है क्लियर हुआ और हमें पता है कि जो हाइड्रोजन आइटम होता है उसके लिए जेड की वैल्यू कितनी होती है वन होती है यस और नो तो यहाँ से जो ए एन की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी वो आ जाएगी ए नॉट इन टू एन तो यहां पे जो ए एन की वैल्यू आ रही है ना इसको उठा के इस इक्वेशन में पुट कर दो इक्वेशन में तो ये आ जाएगा एम वीक्वल टू पाई ए नॉट एन स्क्वायर ये क्लियर है अब जो कॉनेटिक एनर्जी की इक्वेशन आ रही थी वो क्या आ रही थी कॉनेटिक एनर्जी की इक्वेशन आ रही थी एम वी स्क्वायर बाई टू है वही तो निकालना है हमें तो जो एम बी की जो वैल्यू आई है ना जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है उसमें आप लोग एम बी की वैल्यू उठा के पुट कर दो तो जो काइनेटिक एनर्जी है दैट इज एम बी स्क्वायर बाय टू एम तो एम बी की वैल्यू कितनी आ रही है आइए देखते हैं एम बी की वैल्यू आ रही है एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन फोर पाई स्क्वायर ठीक है और ए नॉट स्क्वायर और एन स्क्वायर एन स्क्वायर तो पैसा तो ये एन फोर हो जाएगा क्लियर है इन टू टू है यही तो होगा जो हमारा एम आ रहा था वो क्या आ रहा था एन एच अपॉन टू पाई ए नॉट एन स्क्वायर यही तो आ रहा था क्लियर हो गया तो हमने उसका क्या कर दिया स्क्वायर कर दिया तो ये आपका क्या आ जाएगा ओवरऑल वैल्यूज़ आ जाएंगी ये अब देखो एन स्क्वायर से एन स्क्वायर कैंसिल तो ये आ जाएगा एच स्क्वायर अपॉन फोर पाई स्क्वायर ए नॉट स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर इंटू टू एम अब क्वेश्चन में एन की वैल्यू कितनी रखी रखिए सेकेंड बोर्ड ऑर्बिट तो एन तो की वैल्यू कितनी रखी रखिए टू पुट कर दो तो ये हो जाएगा एच स्क्वायर अपॉन फोर पाई स्क्वायर ए नॉट स्क्वायर और ये टू का स्क्वायर इंटू टू एम ये तो होगा तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी दैट विल बी एच स्क्वायर फोर इंटू फोर सिक्सटीन सिक्सटीन इंटू टू थर्टी टू तो थर्टी टू पाई स्क्वायर ए नॉट स्क्वायर इंटू एम क्लियर है तो so, कौन सा आंसर सही होगा सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर क्लियर है सो क्लास इज ऑल अबाउट पी वाई क्यू किस तरीके से नीट और जेई में क्वेश्चन आते हैं मैंने आपको वो चीज़ें बता दी हैं अगर आपको इस लेक्चर से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं टिल देन कीप स्माइलिंग कीप शाइनिंग एंड गुड बाय